नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु उड़िया राशिफल चैनल रे स्वागत जनाउछि। बंधुगण, चाणक्य नीति चाणक्यंक द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ जेउथिरे जीवन को सुखमय एवं सफल करिबा पाई उपयोगी पंथा दिया जाइछि। एही ग्रंथर मूल लक्ष्य मानव समाज को उचित शिक्षा देबा। चाणक्य एक महान ज्ञानी थिले जिए निजर नीति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्यम को राजा कराई पारी थिले। जानंतु चाणक्यंकर एपरी किछि महत्व नीति जेउ गुड़िक कि आपणंक जीवन रे कौनसी ना कौनसी क्षेत्र रे कामरे आसी पारे। बंधुगण, आपण माने एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं एही वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखिबा पई आपणंकु अनुरोध करूछि। बंधुगण, जदि ए पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिनहांती तेबे वर्तमान ही सब्सक्राइब करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय दबेई दियंतु, जहां फलरे आपण माने एही भली नूतन सुंदर वीडियो सर्वप्रथमे देखि पारिबे। तो बंधुगण, एही भली नारी पाइले संगे संगे विवाह करिनेबा उचित। बंधुगण, एमिति तो बाहाघर को नै समस्ते प्राय चिंतित रही थांती। मुख्यतः पुओ पिला माने बहुत असुविधा ओ धारे पड़ी जानती। से माने भावंती जहा सहित तांकर विवाह हेबाकु जाउछि से झियो केमिति होइथिबो, जीवन सारा खुशी रे रही पारिबे कि नाही, किछि अन्य समस्या तो आसीबो नाही, एभली अनेक प्रकारर प्रश्न मनरे उंकी मारी थाई। विवाह समय रे एही प्रकारर प्रश्न आमर चिंता को आहुरी बढ़ेई देई थाई। वास्तु शास्त्र रे एवं चाणक्यंक नीति रे कुहा जाइछि सिद्ध व्यक्ति सहित विवाह हेबा उचित, नहेले अनेक समय रे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो, एमितिरे आहुरी टेंशन बढ़ी जाई थाए। केमिति जानिबा काहा सहित विवाह हेबाकु जाउछि से सिद्ध बोली, अर्थात से व्यक्ति मो पाई ठीक बा भूल बोली केमिति जानिबा। बंधुगण, एई प्रश्नर तो उत्तर आमे देई पारिबु नाही, किंतु वास्तुशास्त्र एवं चाणक्यंक नीतिरे किछि एपरि कथा कुहा जाइछि जे जदि एभली नारी मिले ताहा सांगरे विवाह करिबारे कौनसी प्रकारर विलंब करिबा ठीक हेबो नाही। तबे चालंतु जानिबा वास्तुशास्त्र अनुसारे विवाह करिबा पई नारी भीतरे कौन कौन मुख्य गुण थिबा दरकार, सेति पई वीडियो को आपण माने निश्चय शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण, प्रथम गुण थिबा नारी आचार्य चाणक्यंक नीति अनुसारे जदि कौनसी नारी कामरे ठीक ठाक होई न थाई किंतु से परिवारर समस्त दायित्व तुलाइबारे सक्षम तेबे सेभली स्त्री परिवारर सम्मान बढ़ाई थांती। द्वितीय गुण थिबा नारी विवाह पाई स्त्री मध्यरे गोटिए गुण रहिबा निहाती आवश्यक, से निजठारु बड़ आउ सान व्यक्ति मानंकु सम्मान देबा जानिथिले सेभली गुण थिबा नारी माने परिवारकु श्रृंखलित रखिथांती। तृतीय गुण थिबा नारी आचार्य चाणक्य कहिछंती जेउ नारी संस्कृति ओ परंपरा पालन करिथाय सेभली नारी विवाह पाई श्रेष्ठ बोली विवेचित हुए, सेभली पत्नी स्वामी पाई सौभाग्यशाली होइथाय, से पूजा पाठरु देवादेवींकर आशीष प्राप्त करिथाय जहाद्वारा घरर समृद्धि वृद्धि होइथाय। चतुर्थ गुण थिबा नारी जेउ स्त्री पाखरे संचय करिवार क्षमता थाय सेभली स्त्री परिवार पाई शुभ अटे, से परिवार को आर्थिक रूप से दूर करिबारे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय, एभली स्त्री को लक्ष्मी प्रतिमा बोली कुहा जाए। पंचम गुण थिबा नारी जेउ नारीर कथा मीठा ओ जहार कथा सुनिले मन को तृप्ति मिलिथाय सेभली नारी विवाह करिबा पई श्रेष्ठ बोली विवेचित हुए। षष्ठ गुण थिबा नारी आचार्य चाणक्य कहुछंती जेउ नारी भल मार्गदर्शिका असुविधा बेले निज स्वामी को रास्ता बताई थाई
से भली नारी को विवाह करिबा द्वारा पुरुषर बोझ कमी जाय थाय। सप्तम गुण थिबा नारी जेऊ स्त्री निजर भाई भौणी को सेमानंकर ठीक रूपरे ध्यान रखी थाय ओ से परिवारर समस्तंकर सुविधा ओ असुविधा बुझी थाय। परिवारर संपर्क्य मानंक सहित फल संबंध बजाय रखी थाय। एभली नारी विवाह करिबा पई सर्वोत्तम अटे। अष्टम गुण थिबा नारी आचार्य चाणक्य कहिछंति जेऊ स्त्री निजर अभिमान बजाय रखे निज वंशर सम्मान हानि हेबाकु दिए नाही सेबोली स्त्री को श्रेष्ठ स्त्री बोली कुहा जाय। नवम गुण जेऊ स्त्री मथारे अहंकार न थाय ताकु मध्य श्रेष्ठ स्त्री बोली कुहा जाय। जेऊ स्त्री निज ठारु अधिक अन्यर खुशी पई महत्व देई थाय सेबोली स्त्री परिवार को सर्वदा खुशी रखी थांती। दशम गुण जेऊ स्त्री पाखरे खराप परिस्थिति रे मध्य परिवार को हात छड़ा करी न थाय एवं समस्त प्रकार संपर्क को बजाय रखी थाय सेबोली स्त्री विवाह करिबा पई अत्यंत शुभ अटे। बंधुगण एभली नारी माने विवाह करिबा पई योग्य अटंती। जदि आपण भी विवाह करिबा पई जाउछंती तेबे एही मुख्य कथा आपणंकर कामरे आसी पारे। एथि पई ध्यान रखंतु जे एभली नारी जेबे मिलिबो संगे संगे विवाह करिनेबा उचित। एथिरे ही आपणंकर लाभ। जदि वीडियो पसंद आसी थाय तेबे वीडियो को लाइक निश्चित भाबे करंतु। आपणंकर प्रियजन मानंक सहित वीडियो को शेयर करंतु। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।